टोडी फतेहपुर के जंगलों में देर रात स्वाट टीम व पुलिस का डकैतों का आमना सामना हो गया। दोनों ओर से चली गोलियों में दो बदमाशों को गोली लग गई, वहीं उनके अन्य साथी फरार हो गए, जिनकी पुलिस टीमें लगातार तलाश कर रही हैं। जानकारी के मुताबिक होली की रात टोडी फतेहपुर निवासी श्रवण कुमार के घर में घुसकर बदमाशों ने बंदूकों की नोक पर डकैती की घटना को अंजाम देकर लाखों कीमत के सोने चांदी के जेवरात और नकदी लूटकर भाग गए। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी ने सीओ मऊरानीपुर के नेतृत्व में तीन अलग अलग पुलिस की टीमों का, जिसमें स्वाट टीम का गठन कर डकैती कांड की घटना का जल्द से जल्द अनावरण करने का निर्देश दिया। देर रात एसएसपी राजेश एस के निर्देशन में स्वाट टीम थाना टोडी फतेहपुर पुलिस जंगलों में काम्बिंग कर रही थी, तभी डकैतों से आमना सामना हो गया। पुलिस टीमों को अपने पास आता देख बदमाशों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस टीम ने भी फायरिंग कर दी, जिसमें डकैत बंटी उर्फ सलमान निवासी बराठा और सोनू निवासी परीक्षा के पैर में गोली लगने से घायल हो गई। वहीं उनके अन्य साथी फरार हो गए हैं, जिनकी पुलिस की टीम लगातार तलाश कर रही है। वहीं सूत्र बताते हैं कि घायल बदमाशों ने टोडी फतेहपुर में डकैती कांड की घटना को अंजाम दिया था। पकड़े गए बदमाशों के पास से 200 ग्राम सोने के जेवरात, 3 किलो चांदी, 1 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई है। दिनांक 8/9 की रात्रि में थाना क्षेत्र टोड़ी के दुर्वई गांव में श्रवण वाजपेयी के यहाँ करीब 2-3 के बीच में डकैती पड़ी थी। इस डकैती को वर्कआउट करने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 3 टीमें पुलिस की लगाई गई थी, जिसमें स्वाट टीम भी शामिल थी। इन टीमों को सूचना मिली थी कि जो बदमाश डकैती में शामिल है वो अपने माल का बंटवारा करके आज बेचने हेतु यम मध्य प्रदेश जाने वाले हैं। इस सूचना पर पुलिस की टीमें लगातार चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान करीब रात्रि के 3 से 4 के बीच में, 3 से 5 के बीच में मऊरानीपुर से गुरसारा की तरफ जाने वाली रोड पर चेकिंग चल रही थी और महेवा चौकी के पास के जंगल में 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर के 5 बदमाश जाते हुए दिखाई दिए। जब इनको पुलिस टीम के द्वारा रोकने के लिए कहा गया तो ये रुके नहीं, बल्कि पुलिस टीम पर जान मारने की नीयत से ये फायर करने लगे। काउंटर अटैक में इसमें एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। जब इनको हिरासत में ले करके इनसे पूछताछ की गई तो एक ने अपना नाम सोनू बताया, दूसरे ने उस्मान बताया। इनकी तलाशी की गई तो इनसे 200 ग्राम सोने के जेवरात, करीब 3 किलो चांदी और 1 लाख रुपये बरामद हुए। मौके से 2 असलहे जो इनके द्वारा प्रयोग किए गए थे वो और इनकी मोटरसाइकिल बरामद हुई है। 3 बदमाश मौके से फरार हैं, जिनको तलाशी है तो पुलिस टीम के द्वारा काम्बिंग की जा रही है। घायलों को हॉस्पिटल CHC मऊरानीपुर भेज दिया गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर कहाँ के बताए जा रहे हैं सर ये लोग? ये दोनों बदमाश झांसी के हैं, एक परीक्षा का है और एक झांसी के किसी गाँव का है। इसके पहले सर कोई घटनाएं हुई है सर इनके द्वारा? हाँ, इसमें जो उस्मान है इसमें ATM कटर पहले किया, ATM की कटिंग किया गया था, इसमें जेल जा चुका है और प्लस डकैती की योजना बनाते हुए भी ये पहले पकड़ा जा चुका है, उसमें जेल जा चुका है। और भी बदमाशों की के बारे में इनके द्वारा पूछताछ की जा रही है और इनकी जो क्रिमिनल हिस्ट्री है उसको भी अभी हम लोग पता कर रहे हैं। झांसी से धीरज शिवहारे की रिपोर्ट।